स्टडी चैप्टर 10 क्रिवेशनल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हम साइंस की उस दुनिया की तरफ ले जाएंगे जिसमें हम तमाम रहस्यों को पर फोकस डालेंगे। हम फोकस डालेंगे न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। हम फोकस डालेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इस यूनिवर्स में कौन सी घटनाएं होती हैं, तमाम घटनाओं के रीजन, उसकी व्याख्या किन कारणों से होती है। हम इस सारे चीज़ों का डिस्कशन करेंगे एक एक करके। आप ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक सुनिए। जब 1687 यानी 1687 सर आइजक न्यूटन ने प्रपोज किया कि इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो इस के तहत उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम एक लॉ दिया जिसको हम कहेंगे न्यूटन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। इस लॉ का को हम कैसे डिफाइन करेंगे न्यूटन के शब्दों में। हम इसको डिफाइन करते हैं कि न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि इस यूनिवर्स में जो भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब जो हमारे आकाश के बाहर की दुनिया है, उसमें हर ऑब्जेक्ट, हर भौगोलिक पिंड, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर एक दूसरे को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और यही रीजन न्यूटन ने बताया कि यही अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से हर ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स के जो है ये मूव कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इसी घटना के वजह से की वजह से ही है, यानी इस फोर्स की वजह से, द फोर्स दैट बाइंड टू अस, किस फोर्स की वजह से हम अर्थ पर है। हम जानते हैं कि अर्थ हमारी क्या है, गोल है। अर्थ गोल है, पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो हम पृथ्वी से गिरते क्यों नहीं हैं, सभी वस्तुएं इससे गिर क्यों नहीं जाती हैं। तो इसका रीजन हम जानेंगे, न्यूटन ने इसके बारे में क्या कहा। हमें भी जाने कि मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, मून लगातार मून अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है, आखिर क्यों, कैसे, किस फोर्स से, किस एनर्जी से वो रोटेट करता है, कौन से रहस्य है। इन तमाम रहस्यों को हम साइंस के नज़रों से हम इसकी पर्दा खोलेंगे। न्यूटन ने इसकी सारे रहस्यों को खोल कर रख दिया। और आगे हम ये भी व्याख्या करेंगे मोशन ऑफ अर्थ और प्लेनेट अराउंड द सन, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अर्थ या प्लेनेट, जो सन के प्लेनेट है, सन के चारों तरफ ही क्यों घूमते हैं और कैसे घूमते हैं, ये तमाम रहस्य हैं। ये सभी रहस्यों का एक ही रीजन न्यूटन ने बताया, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की व्याख्या किया। बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही चीज़ों को ये खोलने वाला ये नियम है जो साइंस के इम्पॉर्टेंस को बढ़ा देता है, न्यूटन को के इम्पॉर्टेंस को बढ़ा देता है। फॉलिंग ऑफ द रेन क्यों होता है, रेन जमीन पर ही क्यों गिरती है, जब कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर उछालते हैं तो जमीन पर ही क्यों आती है, इन सब तमाम घटनाओं को हम फोकस डालेंगे। सबसे पहले हम पढ़े न्यूटन ने आखिर वो कौन सा नियम दिया 1687 में जो पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया, पूरी दुनिया इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के रहस्यों को खोलने का, एक एक पर्दा खोलने का काम किया। तो इस नियम को आप भी जानें, ये नियम है न्यूटन के अगर शब्दों में कहें तो, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर मास विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में इसको कैसे समझे, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स द्वारा आकर्षित करते हैं, वह फोर्स का वैल्यू दोनों के मास के गुणनफल, मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बीच का डिस्टेंस, बीच की दूरी के का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैलकुलेट करके ज्ञात किया गया, ये एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया गया, ये तमाम सिद्धांत थ्योरी से निकाला गया। न्यूटन का यह एक बहुत बड़ा रिजल्ट है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया
और तमाम रहस्यों को, जिसे हम दैविक, उसके पहले लोग इसको दैविक रहस्य माना करते थे कि यह किसी शक्ति है, दैविक शक्ति है जो घुमाती है, उस दैविक शक्ति की व्याख्या, साइंस का यही काम है कि तमाम प्रकृति के रहस्यों को खोलता हो, वही साइंस है। साइंस जो है प्रकृति के रहस्यों का अध्ययन है। तो न्यूटन ने यह कहा कि इस प्रकृति में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उनके मास के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको मैथमेटिकल रूप में देखें ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। अगर हम यहाँ ये दो मास दिखाए गए हैं, मास M1 और M2, ये दो मास मानते हैं यूनिवर्स में है, ये दो मास हमारे यूनिवर्स में है। तो हम इन दो मासों को, अगर हम ये दो मास हमें दिखाए गए हैं, ये दो मास दिखाए गए हैं, मास M1 और मास M2, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। मास M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा, M2 जो है M1 को अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, चाहे मास छोटा हो चाहे बड़ा हो। और यह मास न्यूटन के अनुसार एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास M1 इंटू मास M2। एफ इज, यह प्रोपोर्शनल का सिंबल है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास M1 इंटू M2। और सेकेंड लाइन क्या है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/d². अगर बीच का डिस्टेंस को हम d मान लें तो यह फोर्स एफ इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/d². दोनों को एक साथ का अगर हम अर्थमेटिक रूप में लें, मैथ के भाषा में, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2/d². तो ये जो रिलेशन जो आता है, ये जो रिलेशन आया है हमारा, ये जो एफ इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, यही जो है न्यूटन के उस पूरे शब्दों का, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा गया है कि एफ इज फोर्स, एफ इज फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट, मास ऑफ द देयर प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो हम जानते हैं मैथमेटिक में रूल बताया गया है कि जब भी इन्वर्सल का ये समानुपात के चिन्हों को हटाते हैं तो हम इक्वल का चिन्ह रख सकते हैं, लेकिन एक बीच में कांस्टेंट जी आ जाता है। कांस्टेंट यहाँ हम जी रखेंगे, ग्रेविटेशनल के नाम पर जी रखेंगे। तो इस तरह से हमारा फार्मूला न्यूटन ने डिराइव किया, फोर्स एफ बराबर जी M1 इंटू M2/d². M1 M2 क्या है, दो मास है M1 और M2, d क्या है, बीच का डिस्टेंस d है। तो यह फार्मूला है न्यूटन ने दिया 1687 में कि दो ऑब्जेक्टों के बीच इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड जहाँ तक आकाश का विस्तार है वहाँ तक हर ऑब्जेक्ट के बीच F=gm1 × m2/d². अब ये फोर्स को हम और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो एक अर्थ है, हमारी अर्थ है, अर्थ पर, अर्थ का मास बहुत बड़ा होता है, पृथ्वी का मास बहुत बड़ा है, एक ऑब्जेक्ट छोटी सी या एक रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, कोई न्यूटन ने ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर से नीचे यह अट्रैक्ट होती है क्योंकि यह अर्थ उस चीज पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और यह ड्रॉप भी या पार्टिकल भी या ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी ओर खींचता है, लेकिन यह पार्टिकल यह ऑब्जेक्ट जो भी है, जो इस्माल है, वह इतना छोटा है कि अर्थ को अपनी ओर नहीं खींच सकता है, अर्थ ही उसे अपनी ओर खींच लेती है। जब कोई मजबूत बच्चा किसी रस्सी द्वारा दूसरे छोटे कमज़ोर बच्चे को खींचता है, दोनों एक फोर्स लगाते हैं, तब मजबूत अपनी तरफ खींच ही लेता है, तो अर्थ इस छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच देता है। इस तरह से हर चीज़ें पृथ्वी पर, हर चीज़ें पृथ्वी इससे अटैच हो जाती है, कोई चीज़ बाहर नहीं, हर यानी एक ऐसा एरिया है पृथ्वी के चारों ओर जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा पृथ्वी का अनुभव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अनुभव होता है, और उसके बीच अगर हम कोई भी पत्थर को ढेले उछालते हैं तो वो लौट के पृथ्वी पर ही आता है। अगर इस रेंज को, ग्रेविटेशनल रेंज को बाहर चला जाए तो वो कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा, और पृथ्वी के बाहर चला जाएगा, इसके वेलोसिटी हो जाएगी, से फेंकते हैं वो पलायन कर जाएगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है वो मूव करेगा। हमारे प्लेनेट,
आर्टिफिशियल प्लेनेट जो सेटेलाइट छोड़े जाते हैं भू भू अर्थ के ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, भू कक्षीय में छोड़े जाते हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर इसी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा घूमते रहते हैं। जैसे कोई एक बच्चा रस्सी की डोरी में कोई पत्थर के टुकड़े को बांध के गोल गोल घुमा सकता है, अर्थ भी इस किसी सेटेलाइट को या मून को, मून नेचुरल सेटेलाइट है, उसको चारों ओर गोल गोल घुमा देती है इसी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा। तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स ये प्रकृति के इन रहस्यों को खोलता है कि कोई चीज़ चारों ओर कैसे घूमती है, इनको चारों ओर ये घुमाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से, और ये अपने अर्थ पर घूमते चारों तरफ घूमता है। और सेम यही काम अर्थ को, अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है, अर्थ एक प्लेनेट है सन के, जो आप प्लेनेट इस समय आठ बताए गए हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं इसी ग्रह, क्योंकि सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है, वो भी एक यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, तो उस पर और अर्थ में एक फोर्स लगता है, फोर्स चूँकि हल्का है तो अर्थ हल्का है तो सूर्य के चारों ओर घूमता है, रोटेट करता है, जो हल्का होगा वो रोटेट करेगा, वो भारी है वो अपने जगह पर रहेगा, तो ये फोर्स लगता है दोनों के बीच। अब यह फोर्स किन ऑब्जेक्टों के बीच लगता है, चाहे बड़े से बड़े यूनिवर्स में कोई चीज़ हो, छोटे से छोटे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच आपस में फोर्स लगेगा, कितना छोटा होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच, दो एटम के बीच, दो आदमी एक जगह बैठे हो तो उनके बीच भी एक अट्रैक्शन फोर्स महसूस होता है, एक खिंचाव बहुत कम होगा जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फोर्स लगता है। ये बड़े ऑब्जेक्टों पर दिखाई देता है, छोटे ऑब्जेक्टों पर महसूस नहीं होता है। तो न्यूटन का ये यूनिवर्सल लॉ कहा गया है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, यानी इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहा है, इसीलिए यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की हर चीज़ें, हर चीज़ों में मूवमेंट है, हर स्टार मूवमेंट है, स्टार हम जानते हैं कि सन है, ये सारे जो है हमारे आकाश गंगाओं में घूमते रहते हैं, आकाश गंगा खूब घूमती रहती है, मिल्की वे, ये चारों सभी एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन करते रहते हैं, और ये तमाम कारण है जो कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट करती है। समुद्र में ज्वार भाटा का आना भी यही कारण है, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो वह अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, तो वह समुद्र के पानी लूज को लहरों को उठा देता है और वह ज्वार भाटा का रूप लेता है। तो यह सारे रीजन है अट्रैक्शन फोर्स, यह अट्रैक्शन फोर्स यह कोई दैवी घटना नहीं है, कोई चमत्कारिक नहीं है, यह साइंस की घटना है, यह लहरों का उठना, पृथ्वी के चारों ओर मून का घूमना, सेटेलाइट का घूमना, सभी प्लेनेट का सूर्य के चारों तरफ घूमना, आकाश में तमाम तरह की गतिविधियों को होना, ये सारे ये वैज्ञानिक घटनाएं हैं, यह कोई दैवी या चमत्कारिक घटनाएं नहीं है, विज्ञान साइंस जो है उन दैवी घटनाओं के रहस्य को खोलता है, यही हमारा एक असली साइंस है जो प्रकृति के नियमों का अध्ययन करे, उनके रहस्यों को खोले। तो इस तरह से हम यह नियम हमारे परीक्षा के दृष्टि से हमारे कोर्स में इम्पॉर्टेंट है, हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के रूल को समझे, ग्रेविटेशनल लॉ का जो स्टेटमेंट है उसे याद रखें, इस फिगर द्वारा इसको एक्सप्लेन करें, ये फिगर है, इस फिगर द्वारा फार्मूले का डिराइव करना जब भी आता है, राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम स्टेटमेंट लिखने के साथ साथ इस फार्मूले का डेरिवेशन लिखेंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, अगर लैंग्वेज में कुछ त्रुटि होती है तो ये हमारा मैथमेटिकल उसको संभाल देता है, उससे सही हो जाता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास एम वन इंटू एम टू एंड एफ इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम, तो दोनों मिलकर के ये फार्मूला हम याद रखेंगे, एफ इजिकल टू जी एम एम अपान डी स्क्वायर, या फिर जो फोर्स जी जो ग्रेविटेशन, जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी जो कॉल्ड कैपिटल जी जो कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9. हम जिसकी वैल्यू यहाँ दिखाते हैं, यहाँ लिखा है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये कैसे आया है जी, इस फार्मूले में जी को हम देखें, जी का पोजीशन कहाँ है, जी का वैल्यू निकालें तो जी इक्वल टू हो जाता है, यहाँ नीचे हम लिखते हैं जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपान मास एम वन इंटू एम टू,
इस सबके यूनिट को लिखें। एफ का यूनिट है न्यूटन, डी का है मीटर स्क्वायर, मास का केजी, केजी दो बार है तो केजी स्क्वायर, तो यह यूनिट हो जाते हैं। यूनिट एक नंबर का पूछता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट क्या है, तो यहाँ गोले में दिखाया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये इसी से फार्मूले को हम सीधा कर ले, जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू लिख करके सबका यूनिट लिखे, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जी का यूनिट है, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 होता है, तो इसको हम याद रखेंगे। ये कहाँ से आया, अगर मास एम वन एम टू को 1 रखें, डी को 1 रखें इस तरह से हम, या एक्चुअल पृथ्वी के मास को रखें ये, तो हम ये वैल्यू आगे पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, हम इसको लेकर के आएंगे जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ अभी हम इसका वैल्यू इसके यूनिट को याद रखें, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर पृथ्वी के, ये चूंकि यूनिवर्स के किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, अगर हम पृथ्वी के सरफेस पर आते हैं, पृथ्वी के धरातल पर हम इस फार्मूले को डिराइव करें, तो हम फार्मूले को डिजाइन को थोड़ा चेंज कर लेंगे। यह बराबर जी कैपिटल एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम क्या है, अर्थ ऑफ द मास, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास है, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट जैसे पृथ्वी के चारों के आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका डिस्टेंस पृथ्वी के रेडियस के बराबर हम मान लेंगे, क्योंकि रेडियस 64, पृथ्वी का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, तो एक आध किलोमीटर के रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो उसको भी हम रेडियस के बराबर ही अप्रोक्स लगभग हम मान लेते हैं। तो इस तरह से हमारा फार्मूला जी एम एम अपान आर स्क्वायर होता है। हम पृथ्वी पर इसी फोर्स की वजह से बंधे रहते हैं, हर ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर है, पृथ्वी के मोशन करने के बाद, पृथ्वी में हम जानते हैं दो तरह के मोशन है, एक्सियल मोशन अपने एक्सिस पर घूमती है, और दूसरा रोटेशन जो है सन के चारों तरफ। फिर भी हम गिरते नहीं हैं, कोई ऑब्जेक्ट गिरती नहीं है, सभी ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं, तो इसी फोर्स से बंधे हुए हैं जी एम एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ सभी टर्म जाने हुए हैं, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम पृथ्वी का मास, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास, आर इजिकल टू रेडियस, इनके सारे वैल्यू आगे दिखाए जाएंगे। और हम आगे और दिखाते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द एग्जाम सर्फ ऑन द अर्थ सरफेस, तो हम इसका अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में। अभी आज हम इतना ही अपने क्लास को क्लोज करते हैं। ये हमारे आने वाले वर्कशीट में इस पर क्वेश्चन भी है कि किन घटनाओं के वजह से ये सारे होती है कि रेन ड्रॉप अर्थ की तरफ घूमता है, हम पृथ्वी से बाहर नहीं गिरते, तो सबका रीजन हम जवाब में यही लिखेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार न्यूटन ने इसका एक्सप्लेन किया है, उसी बात को हम को एक्सप्लेन करेंगे कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये चीज़ फार्मूले याद रखेंगे, ये डिराइवेशन याद रखेंगे, ये यूनिट याद रखेंगे। आज की क्लास में इतना काफ़ी हो जाएगा, फिर हम अगले एक एक कर्व ये स्टेप वाइज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अगले स्टेप में हम फिर इसके अगला कदम निकालेंगे, हम ये पढ़ेंगे अगले स्टेप में कि हम स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है। कोई ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी की तरफ गिरती है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, और उसका जी और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, ये अलग एक क्लास है, अलग क्वेश्चन है, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको परीक्षा के दृष्टि से भी। तो इसको इस जो पेज पर दिखाई दे रहा है, इसको जो है हम बुक एनसीईआरटी के बुक से ही ये लिए गए हैं, एनसीईआरटी के बुक में इसको डिराइव किया गया है। आप इसको स्टेटमेंट और इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट दोनों को एक साथ लिखें, और फार्मूले और इसके कंसेप्ट को ये को क्लियर कर रखें। कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिखें, उसके जवाब आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आज हम यहीं आपसे विदा होते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।